और मैं यही दर्द लेकर हर किसी के पास जा रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ। ओ खुदा के लिए आओ मिल बैठते हैं। पता नहीं कौन कौन हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, हम किसी के हथियार ना बने। आओ, दो इल्ज़ाम हम पर लगते हैं कि सुन्नी मुशरिक हैं, सुन्नी बिदती हैं। मैं कहता हूँ आओ बैठो हमारे सामने, शिरक की एक मुत्तफ़क अलैह डेफिनेशन कर लो, फिर बिदत की मुत्तफ़क अलैह डेफिनेशन कर लो, फिर आप हमें हमारा शिरक बताओ। अल्लाह की कसम है, शिरक हुआ छोड़ेंगे, बिदत हुई छोड़ेंगे, लेकिन ये जो तुम्हारे बुज़ुर्गों की इबारतें हैं इनका भी तो कुछ करो ना। अल्लाह से बड़ी ज़ात तो कोई नहीं है ना, रसूलुल्लाह से बड़ी ज़ात तो कोई नहीं है ना। तुम अपने बाप दादाओं को, अपने बुज़ुर्गों को बड़ा समझते हो और रसूलुल्लाह की बात की परवाह नहीं करते। मुझे एक साहब कहने लगे, क्लिपों में भी आया था, कि तुम्हारे बुज़ुर्गों की भी किताबें हैं, हम पेश करेंगे। तो मैंने कहा, जी आपके 5 मदरसे हैं, समझ तो गए ही हो गए आप लोग किसके साथ बात हो रही थी। 5 मदरसे हैं आपके, दारुल उलूम कराची है, ये मुल्तान का है खैरुल मदारिस, ये जामिया अशरफिया है लाहौर वाला, बिन्नौरी टाउन वाला मदरसा है, जामिया हक्कानिया है अकोड़ा खटक वाला, ये 5 मदरसे हैं। 5 मदरसों के मुफ्ती साहिबान सरकारे आला हजरत की किसी इबारत पर कुफर का फतवा दे दें, हम गौर करेंगे, अगर फतवा सही हुआ तो हम चुप करके साइन कर देंगे। हमें तो आला हजरत प्यारे ही रसूलुल्लाह की ग़ुलामी की वजह से हैं, हमें को आला हजरत की ज़ात से प्यार नहीं है, उनकी जो नस्बत है ग़ुलामी रसूल वाली, हमें उस नस्बत की वजह से आला हजरत के साथ प्यार है। अगर कोई इबारत ख़राब हो गई हम कह देंगे गलत है बात, लेकिन तुम भी तो आओ ना इस तरफ, आओ ना इस तरफ, अल्लाह करे वो आ जाएं ताकि ये झगड़े सारे ख़त्म हो जाएं। और फिर देखिए, लफ्ज़ सही भी हो और किसी अल्लाह वाले की शान में कोई मुखालिफ उस सही लफ्ज़ की आड़ में तौहीन कर सके, तो वो सही लफ्ज़ बोलना जायज़ नहीं होता। ओ मेरे छोटे बरखुरदार, छोटे बरखुरदार, ये भी समझ ले कि लफ्ज़ ख़ता की निस्बत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत ज़हरा की तरफ ठीक है ही नहीं, और ठीक है ही नहीं। तो ये लफ्ज़ बोलना सैयदा फ़ातिमा के लिए कैसे जायज़ हो सकता है, ज़रा ये बताया तो जाए ना। हज़रत फ़ातिमा ने जो बकौल तुम्हारे किताबों के अंदर लिखा हुआ, मैं तो इस कहानी को मानता ही नहीं हूँ ना, ये फदक वाली कहानी जो किताबों के अंदर मौजूद है 90% से ज़्यादा झूठ है ये। चलो बिलफर्ज जो लिखा हुआ है उसी को मान लें, तो सैयदा फ़ातिमा ने फदक का मुतालबा करके कौन सी गलती की थी, कौन सी ख़ता की थी, ज़रा ये बताओ तो सही। मैंने पहले भी कहा था हर मुतालबा गलत नहीं होता, हर मुतालबा गलत नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा की गदाई की है। तो कल ही रात ही सबक से जब मैं गया तो मुझे टेलीफोन आया था, सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहिब काज़मी जो दरबार बरी इमाम के ख़तीब हैं उनका टेलीफोन आया था, पढ़ते भी नहीं, शाकिर साहब के साथियों में से हैं, क्लास फेलो हैं उनके। मुझे कहने लगे, उस्ताद जी मैं आज आपको उस्ताद जी की तरफ से टेलीफोन कर रहा हूँ। उस्ताद जी से मुराद हैं मेरे भी उस्ताद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुम अलालिया, अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे। उनकी तरफ से उन्होंने क्लिप सुना आपका जुमे वाला, तो रो भी रहे थे, बड़े खुश भी हो रहे थे, दुआएँ भी दे रहे थे, और मुझे उन्होंने हुक्म दिया है कि उसको टेलीफोन करो और कहो सैयदा तुम्हारी इस गदाई पर बहुत खुश हैं और उन्होंने तुम्हारी इस गदाई नौकरी को कबूल कर लिया है। अल्लाह करे तेरी मदद, नबी करे तेरी मदद, सहाबा करे तेरी मदद, अहले बैत करे तेरी मदद, सैयदा ज़हरा करे तेरी मदद, उलमाए हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। और मुझे थोड़ी देर पहले मौलाना मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब बता रहे थे
कि हज़रत साहबज़ादा ग़ुलाम निज़ामुद्दीन साहब जामी गोलड़ा शरीफ वाले, वो भी आप पर बड़े खुश हो रहे हैं। अलीपुर शरीफ वाले हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती, वो भी बड़े खुश हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे मशहूर नात खान ही यासीन अजमल साहब के, अजमल यासीन क्या नाम है उनका, यासीन है अजमल यासीन साहब, उनका भी टेलीफोन आया था, वो कह रहे थे वाह जी वाह, ये नौकरी जो है ना, ये और भी बहुत लोग हैं लेकिन सैयदा ने आपको चुना है, आपको चुना है इस नौकरी के लिए, अल्लाह आपके लिए मुबारक करे। जड़ावाला शेख मौली साहब का टेलीफोन आ रहा था, वो भी मुबारकबाद दे रहे थे। तो अल्लाह ताला हमें दरे ज़हरा पर ही रहने की तौफीक दे। दरे ज़हरा पर रहने का ये मतलब नहीं कि सहाबा की दुश्मनी है, नहीं, सिद्दीक को भी सलाम है, ज़हरा के बच्चों को भी सलाम है।